ऐसे रखा, थोड़ा दूर जाइए, ऐसे ऊपर करके खोल दिया, ये मशीन निकल गया सर, ये मशीन निकाला, ये बैटरी है, ये बैटरी है सर, बैटरी को इस तरीके से पुश टू फिट होगा, लग गया, ऑन करेंगे, एक दो सेकंड तक इसको दबा के रखेंगे, इसको ऑन हो गया, ये इस तरीके से सर इंटरफेस खुलेगा, ओपन करते ही। अब इसको चलाने के लिए इसके अंदर एक पेन है, स्टिक निकलेगा इसके अंदर, दूसरा स्टिक यूज कर लीजिए। हाँ स्टिक इसमें शायद आया नहीं, दिख रही काम होता रहता है, ये स्टिक है, इस स्टिक से हम इसको ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट करने के लिए इंटरफेस ऐसा खुलेगा, हमने नया मैटर जैसे इसमें फिट करना है, तो मैं इसे न्यू कर दूंगा, पेज नया हो गया। नया चीज़ लिखने के लिए टेक्स्ट करेंगे, जैसे हमने लिखना है MRP स्पेस 10 सिंबल स्लैश डैश। फ़ॉन्ट स्टाइल में आएंगे, ये फ़ॉन्ट का स्टाइल है, अभी हम मान लेते हैं एरियल रख लेते हैं, डॉट करना है तो डॉट मैट्रिक्स ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे, नॉर्मल रखना है ये वाला कर लिया। ये प्रिंट का साइज है, हाइट मतलब साइज, इसको सर हम 50 करते हैं, 0 50, ओके कर दिया, ओके कर दिया, बाकी ये छेड़ना नहीं है, ओके कर दिया, ये लिखा आ गया ऐसा। फिर दूसरी लाइन करनी है, इसी में फिर से टेक्स्ट कर देंगे EXP, आगे जो भी कुछ लिखना है, 01/2022 लिख दिया, ओके किया, ये यहाँ आ गया, इसको हम अपनी तरफ से स्क्रॉल करके कहीं भी रख सकते हैं, हमने ये यहाँ रख दिया। तीसरी लाइन लिखनी है, फिर से टेक्स्ट कर देंगे, BATCH बैच 001 कुछ भी लिख दूंगा। फ़ॉन्ट स्टाइल और साइज जो हमने एक बार लिख दिया वही हमेशा के लिए रहेगा, ओके। ये फिर से यहाँ आ गया, इसको हम फिर से इधर करेंगे, ये स्क्रॉल है, ये स्क्रॉल है, स्क्रॉल इससे होगा, इसको फिर से हमने यहाँ रख दिया। अब ये मैटर सेव हो गया, ये मैटर हमने फाइट किया, अब इसको सेव करना है हमेशा के लिए ताकि इसमें रहे। यहाँ पे ये रीनेम है, ये रीनेम कर दूंगा, यहाँ पे कर्सर डाल के इसको डिलीट के करके हम कुछ भी नाम लिख देते हैं, न्यू के नाम से हमने फाइल बना दी, ओके कर दिया, ये देखो ऊपर न्यू लिखा हुआ आ गया। अब एक बार मैं यहाँ पे सेव बटन कर दूंगा, ये हमेशा के लिए रह गया इसके अंदर। अब जैसे कि आज का काम ख़त्म हो गया, कल हो गया, न्यू आ गया, हमने जो काम पहले किया है वही ओपन करना है, तो लोड करेंगे, लोड में आया, ये न्यू के नाम से फाइल हमारा ये बना हुआ है, सेव, ओपन कर दिया, ये सर आ गया पहले वाला। प्रिंट करना है, ये प्रिंट कमांड दे दूंगा यहाँ से और स्टार्ट कर दूंगा, प्रिंट चालू हो जाएगा। अब प्रिंट करने के लिए इतना करने के बाद चालू होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, इससे पहले इसको बैक आके आइडियल हम यहाँ पे रहेंगे और इसमें पहले हम कार्ट्रिज इंसर्ट करेंगे। कार्ट्रिज ऐसे कार्ट्रिज आएगा HP का, इसमें से ये हमने निकाल लिया, इस तरीके से ओपन करेंगे और रखने के लिए वापस इस तरीके से फंसा के ऐसे करेंगे, खोलने के लिए ऐसे ऐसे, ये सर लगाने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर ये पकड़ेंगे सर हम, ये इस तरीके से, और इस तरीके से इसके अंदर प्यार से रखेंगे सर ऐसे, और ये इधर हम देखते रहेंगे, इधर 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 ये बराबर आना चाहिए, ये सर ये इस तरीके से ये बराबर हो गया ना। अब बराबर होने के बाद ये पॉइंट फिंगर ऊपर करिए कैमरा, पॉइंट फिंगर यहाँ रख के इस लीवर को ऊपर करिए ऐसे। अब ये हो गया रेडी है, अब क्या करेंगे, प्रिंट कमांड देंगे, अब ये प्रिंट कर देगा, हम ये इसको ट्रिगर दबाएंगे, ये ट्रिगर ऐसे करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। बीप की आवाज़ आई, जैसे बीप की आवाज़ आ गई, बीप की आवाज़ आते ही प्रिंट करेगा, प्रिंट ऐसे करेगा, बस को रोल करना है, ये सर इस तरीके से प्रिंट करना है। अभी दूसरा कर रहा हूँ, ठीक,